शाहरुख या सलमान जैसे किरण कोई करने वाला नहीं है। शाहरुख खान को ले लीजिए, उनकी फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड वाइड में। आप सलमान खान को ले लीजिए, उनकी कोई भी पिक्चर आए चाहे वो कैसी भी रहे, ये ऐसा नहीं, बट उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत है। आमिर खान तो एज यूजुअली गुड है। आई डोंट थिंक सो, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, लाइक 30 इयर्स से वो इंडस्ट्री में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हो बॉलीवुड स्पाई। भाई बॉलीवुड खान्स की जब बात आती है तो हम लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं जब उनकी फिल्में ईद दिवाली क्रिसमस पे आती हैं, तो हमारी हर खुशी दुगनी हो जाती है। यहीं पर ही एक सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड खान्स के लिए कोई रिप्लेसेबल है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इंडस्ट्री में जिस तरीके से नए नए कमर्शियल लोग आ रहे हैं, न्यू जनरेशन के एक्टर्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से फैंस के मन में उनका जो प्यार है, यानी कि खान्स के लिए जो प्यार है वो कितना ज़्यादा है, ये एक बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चलिए लोगों से हम जानेंगे कि क्या उनके हिसाब से उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर हम आपको आगे का बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ झटपट से उनके बारे में जानते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। रोहन, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। खान्स के बारे में जब कोई भी बात आती है तो सबसे पहले आपके मन में क्या बात आती है? डोमिनेंस, शेयर डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री। वाओ, सो ऐसे में एक मेरा सवाल है कि क्या जिस तरह से जनरेशन है, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड खान्स के लिए कोई भी रिप्लेसेबल है इंडस्ट्री के अंदर? आई डोंट थिंक उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है सच, बट अलग अलग जो न्यू जनरेशन है अपने अलग जॉनर कर रही है, बट सर्टेनली रिप्लेस करना, फॉर एग्जांपल अगर आप सलमान खान को तेरे नाम से हटा के किसी और को देखना चाहते हो तो आप नहीं देख पाएंगे, या शाहरुख को माय नेम इज़ खान या फिर कोई उनकी पुरानी मूवी जैसे कुछ कुछ होता है वहाँ पे, वैसी मूवीज़ में आप रिप्लेस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट क्योंकि कॉन्टेंट चेंज हो रहा है तो करंट जनरेशन भी अच्छा कर रही है, बट ऑब्वियसली खान्स को रिप्लेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। जिस तरह से खान्स को रिप्लेस करने की बात आती है तो आपको याद हो तो जुड़वा फिल्म सलमान खान की थी, उनको वरुण धवन ने कहीं ना कहीं रिप्लेस किया उस फिल्म में, तो क्या आपको दोनों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा बेटर लगी अगर रिप्लेसमेंट की अगर बात करते हैं हम तो? मुझे सर्टनली सलमान खान वाली जुड़वा काफ़ी बेटर लगी थी बिकॉज उनका काफ़ी नेचुरल था, एंड देन अब अगर कोई मूवी को वापस बनाते हैं तो वो ओरिजिनलिटी तो वैसे ही लूज़ हो जाती है, तो लोगों को पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। जब सलमान खान ने की थी तब लाइक ऑब्वियसली सब लोग को कुछ नया दिखा था, तो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर सलमान खान वाली मूवी। तो हर डायलॉग में सीटी वो वक्त में हो सकती थी लेकिन ये वक्त में नहीं हो सकती। ये टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि शाहरुख या सलमान जैसे किरण कोई करने वाला नहीं है, और मराठा मंदिर में आज भी DDLJ चलती है और भैया देखने का प्लान भी है। थैंक यू सो मच रोहन। थैंक यू। श्रुति, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ अबाउट यू? आई एम कूल, थैंक यू। सो श्रुति, ये बताइए कि जब बॉलीवुड खान्स की बात आती है, कोई भी फिल्म आती है, तो आपको क्या रहता है मन में कि लाइक न्यू जनरेशन या बॉलीवुड खान्स? आई एम रियली नॉट गोइंग टू कंपेयर ओवर दिस। ओ माय गॉड। सो यहीं पे मेरा एक सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड खान्स को कोई भी रिप्लेसेबल है? नो, like people who are working and who have put up their hard works in Bollywood for so many years, like there is no question of comparison. People are doing their own work and that's what matters, they're being their own selves. Wow. So jis tarah se generation abhi kaam kar rahi hai, like Ayushman Khurana ho gaye, Vicky Kaushal ho gaye, ye sab log jo film mein lekar aa rahe, like badhai ho Ayushman Khurana ki, Andhadhun. Yeah, yes. So क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कोई किसी को रिप्लेस करे, क्योंकि अगर हम KBC की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को शाहरुख खान जी ने रिप्लेस किया था। आई डोंट थिंक दैट पीपल कैन रिप्लेस, लाइक नोबडी कैन रिप्लेस 90s म्यूजिक। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। थैंक यू सो मच, बिकॉज ये जवाब सुन के मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि एक होता है कि पब्लिक कुछ बहुत थोड़ा बोलती है, लेकिन कुछ पब्लिक ऐसी होती है थोड़े कम वर्ड्स में बहुत ज़्यादा बोल जाती है। आई एम अ म्यूजिशियन माइसेल्फ, सो आई नो। थैंक यू सो मच। विनीत, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विनीत, बॉलीवुड में खान्स का नाम बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, और आज की जनरेशन जिस तरह से काम करे, लाइक विकी कौशल हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, रणवीर सिंह हो गए, तो ये भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल यह आता है कि क्या बॉलीवुड खान्स के लिए कोई रिप्लेसेबल है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक विकी कौशल जैसे एक्टर्स रिप्लेस कर सकते हैं उनको, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बट अभी जैसे उनका मूवी उरी आया तो आई थिंक और 200 करोड़ टच हो गया जी। उनका अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स फोर्थ वीक का कलेक्शन 200 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, एंड दे हैव बीटन पद्मावत एंड मूवीज लाइक संजू इन द थर्ड एंड फोर्थ वीक। तो मुझे लगता है ऑफकोर्स रिप्लेस कर सकते हैं, और आजकल मूवीज स्क्रिप्ट पे ज़्यादा चलता है, और ये नहीं कि एक्टर्स पे चलता है, क्योंकि अभी मूवी जीरो आया जो
बहुत ही बड़ा फ्लॉप हुआ शाहरुख का, क्योंकि उसका लोगों को स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा। अब उरी आया, भले विकी कौशल को लोग नहीं जानते थे, अब सब जान गए क्योंकि स्क्रिप्ट भी अच्छा था मूवी का और ऑफ कोर्स एक्टिंग स्किल्स भी अच्छा है एक्टर्स का। रियान, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। या वेलकम, थैंक यू। जब भी हम खान्स की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनके बारे में अलग चीज सुनने को ही मिलती है, लेकिन आज मेरा सवाल ये है, क्या बॉलीवुड खान्स को कोई रिप्लेस कर सकता है? क्या वो रिप्लेसेबल है? यस श्योर, व्हाई नॉट, कोई ना कोई तो है ही है। लाइक एग्जांपल, इफ यू कैन गो थ्रू दैट, अमिताभ बच्चन रिप्लेस बाय शाहरुख खान, रियली यू कैन इमेजिन बाय केबीसी। एग्जैक्टली, सो देयर इज पर्सन, देयर इज बॉलीवुड एक्टर सॉरी, दे कैन रिप्लेस खान्स, श्योर दे कैन रिप्लेस, बट इट विल टेक टाइम, नॉट इजीली। ओके, सो कैन आई गेट वन नेम, लाइक कि अगर जो रिप्लेसेबल हो सकता है खान्स के लिए? Yeah, sure. This Ranveer Singh is very good actor. He's very good actor. Yes, exactly. He can replace, but he also take time. Oh my God. Yes. Ranveer Singh के लिए सोचो ये कितनी बड़ी बात होगी कि वो Bollywood खान्स को replaceable रह सकते हैं। Yes, yes, yes. Of course, he's very good actor. आयुर Bollywood Spy में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. आयुर, जब हम Bollywood खान्स की बात करते हैं तो हमेशा हम 90s में चल जाते हैं, even अभी 2000 में जितनी भी उनकी फिल्म्स आ रही हैं वो भी काफी अच्छी है। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि क्या Bollywood खान्स के लिए कोई रिप्लेसेबल है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तीन जो भी खान्स हैं वो उनका एक लेजेंड, एक अलग ही इंडस्ट्री में तो क्या बोलते एक नाम है, दबदबा है, उनको मोनोपोली, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि आप शाहरुख खान को ले लीजिए, उनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड वाइड में। आप सलमान खान को ले लीजिए, उनकी कोई भी पिक्चर आए चाहे वो कैसी भी रहे, ये ऐसा नहीं, बट उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत है। आमिर खान तो एज यूजुअली गुड है जी। तो उनके रिप्लेसेबल कोई भी नहीं है जी। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल्स अगर आप हमारे लिए, दर्शकों के लिए बता पाए कि आपको लगता हो कि ये एग्जांपल्स है कि इन रीजंस की वजह से, जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास में ये रहेगा कि जुड़वा फिल्म सलमान खान की थी, जुड़वा 2 वरुण धवन ने आई। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे देख सकते हैं उतनी इतनी नहीं चली जितनी जुड़वा उस टाइम चली थी, तो वो सलमान खान का एरा था। तो ये बात ऐसा है नहीं कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हो सकता है, बट उनके लिए जो एक अंदर प्यार रहे ना, वो अभी भी है लोगों पे, प्यार खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल 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 नहीं हो सकता। हम बात करते हैं राजेश खन्ना जी के बारे में, तो ऐसे ही भी लोग उनके गाने सुनते, उनकी मूवियाँ देखते, बिल्कुल वैसे ही ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों कोई भी हो, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन यहीं पे मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज की जनरेशन आ रही है, तो क्या आपको लगता है जिस तरह से बॉलीवुड खान्स को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा है जो खान्स के लिए रिप्रेसिबल हो? आई थिंक आयुष्मान खुराना, बिकॉज उनकी रीसेंट मूवी अंधाधुन एंड बधाई, उनका जॉब काफ़ी कमेंडेबल था एंड आई थिंक दे कुड ईजिली रिप्लेस इट, बट अदरवाइज आई थिंक इवन विकी कौशल कुड डू इट, बट आई थिंक दीज एक्टर्स कैन रिप्लेस देम। बट आपको लगता नहीं कि कुछ समय लगेगा इस चीज़ के लिए अभी एकदम से रिप्लेस? हाँ, एकदम से तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट दे डू हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस देम आई फील। जिगर, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिगर, जब भी खान्स की बात आती है, खान्स की फिल्में आती है, तो कैसा रिएक्शन होता है आपका? रिएक्शन लाइक वाओ, फाइनली कोई खान की मूवी आ रही है। लाइक सलमान खान की भी आती है ईद के टाइम, देन आमिर खान की वंस इन अ ब्लू मून आजकल आ रही है। क्या बात है। तो जिस तरीके से न्यू जनरेशन की फिल्म्स आ रही है, लाइक विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, ये सबकी फिल्में आती हैं, तो ऐसे में एक सवाल बन जाता है, क्या बॉलीवुड के खान्स के लिए कोई रिप्लेसेबल है इंडस्ट्री के? सो आई डोंट थिंक सो, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। लाइक 30 ईयर्स से वो इंडस्ट्री में है, जो उनका हमारे लिए उनके प्रति प्यार है, जो लाइक कोई तोड़ नहीं है उनके लिए, तो लाइक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं। यस, तो किस तरीके से आप इस बात को जाहिर कर सकते हैं कि हाँ कुछ भी कर लीजिए, खान्स को कोई रिप्लेस नहीं है? लाइक वरुण धवन ने जुड़वा 2 निकाला है लाइक सलमान खान के, बट कोई रिस्पांस? आई डोंट थिंक सो। लाइक सलमान खान एंड वरुण धवन इज लाइक स्टिल। यहीं पे मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहूंगी, जैसे कि अगर आपको याद हो केबीसी के टाइम पर अमिताभ बच्चन जी केबीसी करते थे, लेकिन शाहरुख खान ने उन्हें रिप्लेस करा था, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि आपको लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन जी को रिप्लेसमेंट के ऐसे उनको भी हो सकता है? नहीं हो सकता। लाइक अमित जी है, तो ऐसे ही एसआर के कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। नहीं, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, लोगों की राय तो आपने जान ही लिया, अब बारी है आपकी राय जानने की। तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड खान्स के लिए रिप्लेसेबल है या नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए हमें, क्योंकि चैनल है आपका कौन सा,
बॉलीवुड स्पाई विद कैमरामैन तुषार कदम।